ये बिल्कुल ही उनका बचकाना और बेकार का मतलब क्या कहे इनके मतलब जिनकी समझ ही नहीं है जिनको ये तक नहीं पता कि ये कॉन्फिडेंशियल वोटिंग कर, कर, की गई है वहाँ पर ये इतने कॉन्फिडेंट क्या एक अनुमान लगाया जाता है नहीं तो बाकी और भी तो है ना क्या हमारे माननीय विधायकों ने उनके सामने में वो वोटिंग करी थी जो ये इतने कॉन्फिडेंट है की ये जो है वोटिंग है वो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोगों ने दी है इनका वोट था जो आठ क्रोस वोटिंग आई टी ऐसी खबरें चला रही है की आठ विधायक जो है भाजपा में आने वाले है ज्यादा गिरा हुआ और क्या मुद्दा होगा कि आपने खाने की चीजों तक को नहीं बक्सा कहा हीरे पे जो अमीर लोग खरीदते हैं गरीब हीरा गरीब आदमी नहीं खरीदता है हीरा अमीर आदमी खरीदता है वहां पर टैक्स लगाइएगा और जो गरीब आदमी का जो भोजन है मूढ़ी अपने यहाँ फरही बोलते हैं उसको ठीक है ना मूढ़ी जिसको उस पर गरीबों का भोजन माना जाता है पांच परसेंट उस पर पांच परसेंट का जीएसटी लगेगा नमस्कार मेरा नाम कैफ है आप देख रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है कि देश के कौन पंद्रहवीं राष्ट्रपति होंगे उसके बाद बिहार में राजनीति तेज हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के उन आठ विधायकों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने यशवंत सिन्हा जी के आह्वान पर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और मुर्मू जी को अपना वोट दिया और जो संजय जायसवाल जी का ये ट्वीट है इस पर बात करेंगे राजद की प्रवक्ता हैं रितु जायसवाल जी इनसे मैडम आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग को नहीं रोक पाया आप लोग की हार हो गई क्या कहिए क्रॉस वोटिंग हुई है निश्चित तौर पे लेकिन क्या आ, आप जिन्होंने भी ये बयान दिया है जिन्होंने भी अपने ट्वीट के माध्यम से कहा और राष्ट्रीय जनता दल को धन्यवाद जो दे रहे हैं उनके विधायकों को ये जो वोटिंग होती है ना ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होती है कॉन्फिडेंशियल बैलेट पेपर के माध्यम से ये वोट किया जाता है तो क्या हमारे माननीय विधायकों ने उनके सामने में वो वोटिंग करी थी जो ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो है वोटिंग है वो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोगों ने दी है तो ये बिल्कुल ही उनका बचकाना और बेकार का मतलब क्या कहें इनके मतलब जिनकी समझ ही नहीं है जिनको ये तक नहीं पता कि ये कॉन्फिडेंशियल वोटिंग कर कर की गई है वहाँ पर ये इतने कॉन्फिडेंट क्या एक अनुमान लगाया जाता नहीं तो बाकी और भी तो है ना और भी तो लोग हैं ना भाई महागठबंधन है तो और भी लोग हैं ठीक है क्रॉस वोटिंग हुई है लेकिन इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक भी वोट नहीं हिला है नहीं हिला है इनका वोट था जो आठ क्रॉस वोटिंग हुआ आपका निशाना है लेफ्ट में मैं, है। मैं वो नहीं कहती कि किसका है क्योंकि मेरे सामने नहीं हुआ है मैं बस मुझे ये पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के एक भी विधायक नहीं हिले हैं मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ मैंने दूसरे की गारंटी लेने का जिम्मा नहीं लिया है और ना ही मैं एकदम दावे के साथ कह रही हूँ कि नहीं नहीं कांग्रेस नहीं किया होगा नहीं माले नहीं किया होगा मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं बैठी हूँ कि सीधा सीधा कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया वो तो ऐसे बयान दे रहे हैं ऐसे ट्वीट कर रहे है जैसे कि माननीय विधायक उनके सामने पोस्टल वैलेट पर लिख करके और उन्होंने वोट किया था तो ऐसे भाजपा भा आई टी से लिए खबरें चला रही है कि आठ विधायक जो है भाजपा में आने वाले हैं ऐसी खबरें सोशल मीडिया वो कुछ भी चलाने के लिए स्वतंत्र हैं उसको आप आप रोक लेंगे क्या नहीं रोक सकते हैं तो उनको देने दीजिए जो आदमी बिना किसी सबूत के जब सीधा सीधा नाम लेके कह रहा है कि इनके ही विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है जो कि कॉन्फिडेंशियल वोटिंग को जब वो मुहर लगा रहे हैं कि हमारे सामने हुई इस तरह की बात वो बयान दे रहे हैं इस तरह का ट्वीट वो कर रहे हैं तो ये बहुत ही बचकाना ट्वीट है इस पर मैं क्या ही कहूँ राष्ट्रपति बन गई है मुर्मू जी क्या बधाई देना चाहेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं तो क्यों नहीं उनको बधाई देंगे और उनसे बधाई है उनसे उम्मीद भी है कि अगर बन गई है तो बेहतर काम करेंगी अच्छा काम करेंगी भाजपा का एक कई अलग अलग मंचों से अलग अलग मौकों पर आता है कि बिहार किसी जातिवाद में नहीं बटा है या देश किसी जातिवाद में नहीं है लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ एक भाजपा के सांसद हैं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ये लिखते हैं कि आदिवासी प्रथम महिला ये लोग बोलते हैं कि जाति विहीन हम लोग समाज देखते हैं फिर जैसे ही राष्ट्रपति चुनी गई तो उन्होंने लिखा आदिवासी महिला कैसे देखती है एक तरफ तो वो परहेज करते हैं जातिगत जनगणना से भागते हैं मुँह चुराते हैं और कहते हैं कि राज्य चाहे तो अपने खर्चे से करा ले जिनको ये समझ नहीं कि राज्य अगर अपने खर्चे से कराएगा ये राज्य का पावर नहीं है जनगणना कराने का ये केंद्र को मिला है जनगणना का पावर ठीक है तो यहाँ पर वो जनगणना माना ही नहीं जाएगा अगर राज्य अपने खर्चे से कराती है तो तो जहाँ पे एक तरफ आप भाग रहे हैं आप राज्य पे थोप रहे हैं आपको जातिगत जनगणना से भागना है और दूसरी तरफ आप खुद को बता देते हैं कि मैं तो फला जाति से हूँ मतलब प्रधानमंत्री करके आप अपनी जाति बता रहे हैं और देश के राष्ट्रपति को उनकी जाति से बता करके आप आगे कर रहे हैं तो एक तरफ आप जाति का वो भी मलाई भी आप खाते हैं दिखा करके जहाँ की आपका वोट बैंक जैसी राजनीति आप करते हैं और दूसरी तरफ अगर जमीनी हकीकत की बात हो तो आप जातिगत जनगणना से भागते हैं जहां जरूरत नहीं है वहां पर आप जरूर करते हैं अब जैसे ये चार साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जो अग्निवीर की आप बात कर लीजिए वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है जाति प्रमाण पत्र मांगने की उसके आधार पर आप क्या करने वाले हैं क्या उसके आधार पर आप प्रमोशन देने वाले हैं क्या उसके आधार पर किस तरह का रिजर्वेशन देने वाले हैं जब उसके आधार पर ना प्रमोशन देने वाले हैं ना रिजर्वेशन देने वाले हैं तो क्या आप चार साल में

नहीं बिल्कुल है ना कि आखिर से आप लोगों को संदेह है कि भाजपा इस पे कुछ खेला कर है देखिए अब उसका तो गिनती हम कराने के लिए नहीं बैठेंगे कि किस बात कितने कितने बात की है वो तो अनंत बातें हैं ठीक है क्योंकि उसकी किताबें पे किताबें भर जाए उसके लिए नहीं है लेकिन जनता जो है ना वो रोज देख रही है जहाँ दूध दही पनीर मूढ़ी जो गरीबों का खाना है उस पर भी अगर आप पाँच परसेंट जी लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अगर गरीबों की चिंता है इस देश की चिंता है तो आज जो रोज़मर्रा का जो भोजन है जिसको खा के गरीब ज़िंदा रहता है या कोई भी जिंदा रहता है आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा तो किन किन मुद्दों का इससे ज़्यादा गिरा हुआ और क्या मुद्दा होगा कि आपने खाने की चीज़ों तक को नहीं बख्शा कहाँ हीरे पे जो अमीर लोग खरीदते हैं गरीब हीरा गरीब आदमी नहीं खरीदता है हीरा अमीर आदमी खरीदता है वहाँ पर डेढ़ परसेंट टैक्स लगाइएगा और जो गरीब आदमी का जो भोजन

जो इस बात का मुहर लगा रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से उनसे जा कर के पूछिए कि ये कॉन्फिडेंशियल वोटिंग क्या आपके सामने हुई थी जो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं हमारे साथ राजद के प्रवक्ता थी रितु जायसवाल इन्होंने साफ तौर पे अपना बात रखा है कि क्या संजय जायसवाल के सामने इन विधायकों ने वोट दिया था जिस तरीके से एक बिल्कुल लेकर पार्टी का नाम लेकर के उन्होंने बताया कि, कि आठ विधायक ने वोट दिया है एक और एक, एक महागठबंधन में और भी विधायक है वो भी हो सकते हैं लेकिन ये कॉन्फिडेंस उनका गलत है आप क्या मानते हैं क्या प्रतिक्रिया आपकी कमेंट करके बताइए फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटी घंटे चैनल को, को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद